दोस्तों आज मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं। अभी आप देख रहे हैं कि उस्ताद मोहतरम आगा सैयद जवाद नकवी के ख़िलाफ़ कैसा प्रोपेगेंडा हो रहा है, कैसे उस्ताद मोहतरम की वीडियोज़ को ट्रिम करके किसी नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करके मुसलमानों के माबैन तफर्रुका फैला रहे हैं। आप खुद ही उस्ताद मोहतरम की ज़ुबान से आज़ादारी की तौसीफ़ सुने और ये क्लिप तकरीबन 2010 की हैं। और मेरी इस उम्मत के हर फर्द वाहिद से यही गुजारिश है कि अगर इस्लाम नाब मुहम्मदी को समझना है तो इन छोटी छोटी क्लिप्स पर इक्तफा न करें, पूरी मजलिस को सुना करें, तभी जाकर आपको दीन मुबीन इस्लाम समझ में आएगा। आजादारी का मकसद है, आजादारी मकसद नहीं है, आजादारी का एक मकसद है, उस मकसद तक आजादारी है। और पहले भी कहा था कि आजादारी का मकसद आप तक सवाब पहुंचाना नहीं है, आपको किसी मकसद तक पहुंचाना है। और आजादारी के अंदर इतनी ताकत मौजूद है। आजादारी का मकसद यूं भी नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ा दो, आजादारी का जुलूस रोक के नमाज पढ़ा दो, ये दुरुस्त है, पढ़ना चाहिए। हमारे इस मुल्क के अंदर जो दीनबाजों ने गलत जंग जारी कर दी है वो दीन की दीन से जंग है। जैसे बटेर को बटेर से लड़ाते हैं, इसी तरह बाज माहिरीन ऐसे हैं जो दीन को दीन से लड़ाते हैं। ये बेहुदा काम है, गलत काम है, आप इसमें शामिल ना हो, ना आजादार ना नमाजी। आजादारी और नमाज में कोई तजाद नहीं है, आजादारी और नमाज में कोई तजाद नहीं है, आजादारी और नमाज में कोई तजाद नहीं है। आजादारी भी एक फरीजा है, नमाज भी एक फरीजा है, आजादारी भी एक फरीजा है, नमाज भी एक फरीजा है। सैयद शुहदा अगर आशूर के दिन जंग रोक कर नमाज पढ़ते हैं तो आपको आजादारी रोक कर नमाज पढ़ने में क्या मुश्किल है? और सैयद शुहदा अगर नमाज के आलम में जिहाद कर रहे हैं तो इन नमाजियों को आजादारी में आने में क्या मुश्किल है? क्यों आजादारी की जगह अलग बना दी है, नमाज की जगह अलग बैरात बना दी है? दोनों दीन है, दोनों मजहब है, एक दीन कह रहा है दोनों काम करो। और अब ये जंग मजीद बढ़ती जा रही है, ये आजादारी और नमाज की जंग बढ़ के आगे खुद आजादारी के बाद चीजों की आपस में जंग हो रही है। अभी मातम अलग है, मजलिस अलग है, मातमी ने मजलिस नहीं सुननी, मजलसी ने मातम नहीं करना। क्यों क्यों इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं इसको? जंग या खत्म होनी चाहिए, दीन की दीन से कोई जंग नहीं है। ये दीनबाजों ने बटेरबाजों की तरह, कोई बटेरबाज बन गए दीनबाज, उन्होंने आकर ये बाजी और ये जंग शुरू की है।